इनमें से देखें। फिलहाल हमारे पास यही लोग हैं, इनमें से देखें। जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप किसे ढूंढ रहे हैं? आए मेरे साथ। बैरी का दिल चाहता है कि वो मुझसे बातें कर रहे। ये सेशन काउंसलिंग ये तो सिर्फ बहाने हैं। मेरी मोहब्बत में उसका दिल जल के कोयला हो गया है, लेकिन बड़े सब्र वाला है। मैंने दुनिया में बहुत कम मर्द देखे हैं जो इतनी मोहब्बत करते हैं और इजहार ही नहीं करते। वरना तो औरत से ताल्लुक बना नहीं होता और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देते हैं। मैंने तो बहरी को मेरी मोहब्बत में फौत होने की कोशिश में करते हुए देखा था। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसकी आंखें ना बिल्कुल छोटी सी बिंचों की तरह हो गई सारा। लो एक और नौटंकी आ गई। रीमा किधर है? जेल में। और बराम? मफरूर है। और तुम कहां? पानी में। Haven't got all day. कौन सी दवाई है? दिमाग ठीक करने की। जहर देने आई हो मुझे? तुम्हें मारकर क्या करना है मैंने? चलो दो पानी। Good. Ah, feels so much better after taking poison. Hi. आप यहाँ चले जाएं, हो सकता है ये आपको मिल जाए। Thank you. 11th Club. क्या ये वहाँ नाश्ते है? आपके राज में हम बहुत पिटे। गोरों के राज में भी ऐसे ही पिटते थे, आइंदा भी ऐसे ही पिटते रहेंगे। आए। हाथ क्यों उठाया? मुझे बताते, मैं यहीं था उस वक्त कहां थे जब मेरी चोरी हुई थी? इन तीनों का एक एक हाथ कटना चाहिए। चोर के साथ यही होना चाहिए, लेकिन जाती अदालत लगा के नहीं। और तुम लोग जूरे के सामान की तलाशी ली, ये जुर्म है। ये पुलिस वाले नाके लगा के जेब और मुंह सूंघते हैं, वो जुर्म नहीं? कोड़े मारे जी से, पुलिस तो चुस्ती पौड़ी का लिहाज भी नहीं करती। सारे नशेइयों को उठा के समंदर में गर्क कर दो। ये फैसला हर कोई नहीं कर सकता, और तुम लोग भूल रहे हो 11th क्लब नफसियाती मरकज या पागल खाना नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हमें एक दूसरे को माफ करके गले लगाना। कभी गले लगाओ, फैसला बदलना पड़ेगा। ओए गंदियां ना काट डोए, ओ कोई फट ला एथे एथे मेरी कंड ते गंडा सिर चला। ओए ओए सीने पे आरी चला, गंडा सा पुराना एटम हो गया है। एक बार शैतान मेरे ख्वाब में आया, उसने मुझे दो टोक अंदाज में कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह से दूर रहो, गंडा से मैं चलवाता रहूंगा। सर आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करें, ये लोग नहीं सुधरेंगे। हे डॉक्टर 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 डॉक्टर, वन टैबलेट ओनली, वन टैबलेट। सुन क्यों नहीं रहे आप, जल क्यों रहे? एक आधी टैबलेट भी नहीं मिलेगी, ओवरडोज से वो भूलेगा नहीं, हाथ पैर जलेंगे। अरे ओ जालिम समाज, मिट्टी की गोलियां माशूक भुला सकती तो आशिक मिट्टी में मिल जाती।
हंस के नहीं दिखाना, गोली दे दे। टीना की फाइल लेके क्लोज बोर्ड। वे व्हाट? आई एम बीइंग इग्नोर्ड। और डॉक्टर, डॉक्टर एक गोली दे दे यार। सर, इंडस्ट्रियल एरियाज में जो हमारे दो प्लॉट्स हैं, अगर हम उन पे दो स्मॉल यूनिट्स बनाते हैं तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं हम। इस सिलसिले में हमने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हैं जो कि रुबाब आपको बताएंगी। सर, इस वक्त जो हमारी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हमने लास्ट ईयर भी अपने स्टाफ को बोनस पे नहीं किया। एक मिनट, थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं। कैरी ऑन। सर, जो टीम ने नई प्रेजेंटेशन तैयार की है, अगर आप चाहें तो मैं आज ही आपको दिखा सकती हूँ और आपका अप्रूवल। नहीं, मुझसे अभी बात करो। Go ahead. सर, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो नई प्रेजेंटेशन बनाई है वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही। एक मिनट, प्रॉफिट, बिजनेस, रेवेन्यू, पब्लिक सेक्टर का भी कुछ सोचिए। करेंसी का ताबूत भर के कब्र में नहीं उतरना मुझे। Wait for a minute. हाँ तानिया। हाँ नहीं, जी कहते हैं। जी, मैंने कहा था मैं कॉल बैक करता हूँ, लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। सुन तो रही हूँ। How sweet. So kind of you. अच्छा, अगर ये बात है तो फिर मिलो मुझसे अभी। प्लीज सलमान, आई रियली वांट टू सी यू। लेकिन तानिया, तो सर जो प्रेजेंटेशन हमने रेडी किया, क्या वो मैं आपको दिखा दूं? ये क्या चल रहा है? रोमांटिक मूवी। सलमान को तंग करके एक टीनेज लवर की तरह अपने पीछे बिठाकर अच्छा लग रहा है मुझे। सो लेट मी एंजॉय। यानी तुम्हें उससे सच्ची मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत झूठी नहीं होती। बकवास जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी धांसू लव मैरिज 8 महीने में डेड फ्लॉप थी। क्यों, कैसे, कुछ याद है? ना तलाक का गम। तलाक का गम मर्द को होता है, नुकसान औरत को। सब बातें हैं, शादी करना मुश्किल काम है। शादी करना आसान है, निभाना मुश्किल। डैड ने कितने अच्छे लड़के देखे मेरे लिए, एक से बढ़कर एक, लेकिन जो बात सलमान में है वो किसी में नहीं है। इसीलिए शादी तो मैं उसी से करूंगी। फाइन, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा मैस। थैंक यू। शुड आई कॉल हिम अगेन? प्लीज डोंट, आई एम गोना थ्रो योर फोन इनटू द पूल। देखिए, मेरी जिम्मेदारी है आप सबको यहाँ अच्छी तरह से रखना। बुरी तरह रखो, लेकिन इस जूलत तेली के साथ कमरे में नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा भी कोई और बंदोबस्त करो। चोरी करके सीना जोरी ना करो, जूरे के साथ रहोगे उसके कमरे में। थैंक यू। इस सफाक पुरसिये के साथ? इसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। गलतफहमी दूर करो, जूरा एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाला इंसान। और जिसने मैं मारा कम और घसीटा ज्यादा, वो सहरा मरीख से आया था। हम अंधे हैं। पहले ही बहुत बोरियत है मेरी माँ, और बोर ना करो। बोर तो मैं भी बहुत हो रही हूँ आजकल। क्यों ना हम सब मिलके पिकनिक पे चले। उतना अच्छा आइडिया देकर इतने बुरे एक्सप्रेशन तो मत दो। हम पिकनिक पे जा सकते हैं, लेकिन अरे बात तो सुनो, उसकी सुन है, निकल जाएगा वो। ओ पागलो, इस दानिशवर की सुनो। सुनाओ 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 सुनाओ। मैं कह रहा था हम पिकनिक पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाजत चाहिए डॉक्टर परेशान। ओह नो, ये तो परेशान ही करेगी। शी इज राइट। इसकी इजाजत की क्या जरूरत है, आओ चलते हैं। यारी ज़ुबैदा? नहीं, ज़ुबैदा की तरफ से इजाजत है।
तुम्हारा सेशन भी यही करेंगी। जुबैदा कंसेशन नहीं करेंगे, पहले जूरा का सेशन होगा और फिर पिकनिक। ओके द एंड। नीली की जगह पीली, हरी की जगह लाल, ठीक करना है तो गोलियां ना दो मुझे। ओके गोली मारो। 7.62x39 बोर की देसी एम से। अब तो तुम्हें अपने बारे में बताना पड़ेगा चू। लवारिस लाश, दबाओ जलाओ या बहा दो, बोलेगी नहीं। Hi, princess. Are you going somewhere? Yes. So one thing I'm dying. हाँ, कहने लायक थी रिश्ता जोड़ने के लिए। अगर तुम्हें जल्दी है तो। नहीं, डैड। लेकिन आप क्यों देर करना चाह रहे हैं? देखो बेटा, वो जिमी का प्रपोजल आया था और मैं बहुत ही एक्साइटेड था तुम्हारी शादी के लिए। लेकिन क्या करूँ? वो ड्रग ही निकला। हाँ। सलमान को तो हम भुगत चुके हैं, तुम जो भी कहो उसका पास। उसके प्रेजेंट पे फोकस करें, उस साइकोपैथ का शूट आउट भुला कर इन्वेस्टिगेट करें। राड, सलमान अच्छा निकला तो फाइन, अगर बुरा निकला तो एनीवे आई एम गेटिंग लेट, आई विल सी यू। ओके बाय। ये घबराहट, माथे पे पसीना, पजा मैं हूँ या खाना? काफी स्पाइसी है, तुम्हारे लिए बनवाया, मैं इतना तेज नहीं खाता। यू नो, काफी अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं तुम्हें। मुझे भी समझा दो क्योंकि मैं को कुछ नहीं समझता। ऐसे जितनी तुम रोमांटिक बनती उतनी हो नहीं। तो वे पर्ची पे कास्ट होने वाली वो वाली एक्ट्रेस हुई जिसका लव सीन देखे साथ है। तानिया, जैसे तुम मेरे बारे में जानती हो, आई मीन नूर, उसी तरह मुझे जिमी का पता। जो पता है उसके बारे में और जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं और बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पर्सनल मामला था और मैं माजी का पीछा नहीं किया करता। माजी का पीछा नहीं करते हो, उसके बावजूद मोर से मिलते हो, क्या तुम उसे भूल नहीं सकते? शायद मुझे प्यार करना आता ही नहीं।
रिश्ते जोड़ने की तमीज ही नहीं है। नूर मेरे इश्क में टूट गई और मैंने उसे जोड़ना चाहा बस। जो तुम कह रहे हो उसे मान लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। छोड़ सकती हूँ लेकिन शक नहीं कर सकती। मेरी पूरी बात सुन लो ताकि अभी फैसला हो जाए। हमारे साथ रिश्ता टूटने और बनने के बीच नूर के बाद करीब हो गया था, लेकिन किरण जी ने मुझे सख्ती से मना किया एंड एज यू नो उसका साइकोलॉजिकल इशू था। उस लड़की के बस में नहीं कि वो मुझे बुला सके। दूर बैठकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखता रहा, उसके साथ हमदर्दी भी ना कर सका। Makes sense. लेकिन नूर ने जब किरण जी पे फायरिंग की, तुमने उस पे केस नहीं चलने दिया। इनफैक्ट इलाज में उसकी मदद की। प्यार तो होगा उससे। अगर मुझे नूर से प्यार होता तो इस वक्त तुम यहां ना होती। सच कह, उसे प्यार करना नहीं आता, मुझे उसी तरह झूठ बोलना भी नहीं सीख सका। सलमान तो मैं नूर से ना सही, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। तुम मुझे जितने अच्छे लगते हो उससे ज्यादा अच्छे इंसान हो। You're great. इंसान चाहे जितना भी अच्छा कर ले, वो बस उसके इंसान होने के मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। असमतों के पहाड़ चढ़कर भी इंसान हसीन नहीं, बस इंसान ही रहता। اے میرے عظیم و شان اللہ رب ذوالجلال، اپنے بندوں کی حقیقت اور پریشانی کا حل آپ کے پاس ہے۔ مالک، آپ اپنی مخلوقات پر بڑے مہربان ہیں، اور مہربان ہو جائیے۔ آمین۔ कर लेते हैं राउंड, इससे पहले तो डॉक्टर जहराओं आ जाए। ठीक है मैम। क्या हालात है इसके? कैसी तबीयत है? हाल पूछ रही है तुम्हारा? अरे प्राणा हो गए हैं खोजे यार। देखना कहीं गिर ना जाना। इसकी क्या पोजीशन है? सुबह से ये हालात है। मैं डॉक्टर को दिखा? नहीं। कैसी तबीयत है? लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। अच्छा, किससे? शायद आपसे। तुम ही होनी थी। अंजूरे के क्या हालात हैं? आज कुछ बेहतर है पहले से। हेलो जोरे, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें खुद की चित्रवाल ना करते हुए। अब जल्दी से डॉक्टर साहब को बता दो सारी बात ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। मैं सलमान को अपनाना चाहती हूँ। इश्क के रस्ते में
शादी मकाम है, मंजिल नहीं। प्यार, मोहब्बत और इश्क तुम एक नहीं मानती? एक है, समझाओ जन। तुम बता। ओके। प्यार पर इख्तियार नहीं। प्यार प्यार इतना बेबस है कि किसी राह चलते पर भी आ जाता है। प्यार में धोखा होता है। मोहब्बत हर किसी से नहीं की जा सकती, इख्तियार वाली है, सोच समझ के की जाती है और निभानी पड़ती है, इसीलिए अक्सर मोहब्बत में नाकामी हो जाती है। और इश्क, हाय, सुनने में कितना सुरीला है, कमबख्त। इश्क इश्क होता है ना किया जाता है, ये तो दिया जाता है उस रसीब वाले को जिसके पास सवाल हो ना जवाब, जो दिन देखे ना रात, जिसे मिलन की फिक्र ना जुदाई का डर, आशिक के दिल में आग होती है ना राख, बस माशूक होता है और उसकी पहचान। जब महबूब नजर ना आए तो फिर ये तड़पता कौन? पालतू तोता बिल्ली पकड़ ले तो बंदा तड़प जाता है, माशूक कसाई के हत्थे कौन चढ़ने देता है। लेकिन अगर वो ना मिला तो फिर क्या कर? बदनाम हो चुके, गुमनाम हो जाएंगे। नूर, तुम्हें ठीक होना है, पहले खराब तो हो लेने दो। हाँ, ओ क्या चल रहा है? ओ सब ठीक है, देखो तू आवाज आ रही है ना, आ जाओ। ओके ओके, वेयर आर वी गोइंग? डिनर, डेट, लंच? हेलो। फोन क्यों नहीं उठाते? सो रहा था। तो ख्वाब में उठा लेना था ना, तुम जानते हो ना, अगर मेरी कॉल अटेंड ना हो तो मैं भूतनी बन जाती हो। जब तुम मैं मिस करूं तो क्या करूं? मैं डैड से बात करूं। मैं सोच रही थी कि इस दफा तुम उनसे कहो। क्या कहूं? यही कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो और मेरे बगैर रह नहीं सकते। क्या हो गया? प्यार के सवा तुमसे और क्या हो सकता? एनीवे सुनो, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। आज नहीं। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, जो कहा है वो मानो। सर आ जाए ना, कितना वेट करूं अब? वेट कर। सुनो जी, शेफ हैज टू माय ऑर्डर। ओके सर, आओ। तुम देखो कमरा से, कमरा से बैठो और सीखो कि मेरे बाथरूम के जो पानी का प्रेशर है वो सही होना चाहिए। काम भी हम करें। जी हाँ, ये अब आप करें। ये आ जाए, आप आ जाए। ओके, मैं करूंगा फूड। वैसे बड़े बेशर्म हो तुम तैमूर अली खान। क्यों, मैंने कौन सा तुम्हें कभी धोखा दिया या और शादी करने की धमकी दी है जो तुम मुझे कमीना क्यों समझती हूँ? यही पूछोगे ना? हाँ। मेरा पैसा जो हड़प गए, जो मर्द बीवी का माल खाए, जानते हो क्या कहते हैं उसे? गलत फहमी, जो सब तुम्हें हुई भी है। और तुम्हें खुश फहमी है कि तुम मेरे हाथों बच जाओगे। हाँ, ये एक सेफ स्पेस है, यहाँ तुम बिना खुश नहीं बिगाड़ सकती। साइको होकर तुम मुझे बिल्कुल भूल गए। इरादे की पक्की हूँ मैं। ये लोग कहते हैं कि तुम मेरे तसव्वुर में आती हो, क्या तुम इस वक्त मेरा वहम हो या फिर
फिर कोई कुछ मार गया आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये फारिग भी नहीं कि रोज आती रहेगी वो। ठीक। सुनो, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा हूँ। गुड। और वो जो मेरी इमेजिनेशन में आती थी वो वफात पा गई, खबर आम कर दो। और कुछ हकम? सबा जी, लगता है क्लोज वॉच जाने की इस बार इनकी बारी है। सलमान को बुलाया कि नहीं? जी मैम, जी वो आ गए। मॉर्निंग। तुम आजकल ऑफिस नहीं आ रहे? जी जी। तुम्हारी हां में छुपा नाच जानती हूं मैं। जादू मंत्र पे मेरा यकीन नहीं है, वरना समझती कि उस साइको लड़की ने तुम पर कुछ कर दिया है। मैंने भी तो ज्यादती की उसके साथ। मत कहो ऐसा, कमजोर लगते हो मुझे। हम अपनी जिंदगी और करियर के अहम मोड़ पर हैं। आगे हमारा नाम, हमारा काम सब तुम्हें लेकर चलना है। सो बी केयरफुल, ध्यान से चलती हूं। इससे मोहब्बत हो गई तो तुमसे कह के गए तो जब सलमान, तुम अपनी जानी दुश्मन के साथ नहीं होगा उसके। तुम्हारी इतनी शिनवत। आगे न बालों पर तुम्हारी ट्रिक ऑन है। क्या मैं बीमार हूँ? फिर वो मेरे पीछे पीछे क्यों भागती है? क्योंकि आप उसके आगे आगे भागते हो। प्यार और मोहब्बत में यही तो खराबी होती है, बंदा किसी के हत्थे चढ़ जाता है, कभी ख्वार हो जाता है। तुम दोनों के साथ यही हो रहा है ना? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलमान आया था। हाँ, ओके ओके, शाम में मिलते हैं। पुराने नमक हार थे तुम। नमक हरामी की उम्मीद नहीं थी तुमसे। मर तो सकता हूँ, आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। आप मेरा यकीन करें, सब अब नूर से नहीं मिलते। ये मेरे मफादात की जंग है, जो रास्ते में आए उड़ा देना। चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं उसकी, फिर अब नजर आए मुझे वो।
जाने मन कहाँ चल दिए? सिर्फ मेरा तसव्वुर है, इमेजिनेशन। मैं ठीक हूँ। अपनी बावफा बीवी को खिदमत के कई मौके तो दीजिए। I'm not sick. I'm not sick. मैं ठीक हूँ। या आई डू अंडरस्टैंड, मैं बात करती हूँ। या मम्मी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। एक बुरी खबर है, तैमूर का भतीजा उसकी जायदाद का केयर टेकर बनने की तैयारी कर चुका है। ख्वाब देखने पर अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन मुझे धड़का लग गया क्योंकि बाबर पहले भी अपने चचा को ठगा करता था। अब वो उनकी जहनी हालत का फायदा उठा के केस लटका सकता है। हम पहले ही बहुत फंसे हुए हैं, इसलिए वो हमें ब्लैकमेल कर सकता है। आवारा कुत्ते को हड्डी डालते हैं, उसकी फिक्र नहीं पालते। मैंने पैसा दिखाकर शाह आलम को फिक्स कर लिया। अब तैमूर को पागलपन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट? जब हम केस लड़ी नहीं रहे तो सर्टिफिकेट कैसा? वकील केस वापस लेने से पहले तैमूर की कच्ची पक्की स्टेटमेंट करवाना चाहता है। मम्मी यार, पहले आपका एक वकील कम था, जो आपने एक ये नया किरदार शाह आलम जो भी है और लोग घुसाए जा रही है। इतनी बड़ी रकम का मामला है, क्यों लोगों के मुंह में पानी दिलवाती है? प्लीज डोंट डू इट। अजीब शामत है मेरी, एक तो तीसरा शौहर वो भी पागल, और तुम भी किसी से कम नहीं हो। फौरन नेगेटिव हो जाती हैं आप, थोड़ा पॉजिटिव सोचें। जो मैं आपको कह रही हूँ वो करें, डू इट। एक तो तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, अब तुम तंग कर रही हो। मम्मी मेरी बात तो मम्मी है तो क्या? दुनिया में औरत इतनी गैर महफूज क्यों है? लोग हमें साइको समझे, पागल समझे, लेकिन हम यहां से बाहर निकल के एक नई दुनिया बसाएंगे जिसमें हर घर की माँ, बहन और बेटी महफूज होगी। सिर्फ हमारे घर की माँ बहनें नहीं, बल्कि हर घर की माँ, बहन और बेटी महफूज होगी। कोई उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। तालियां। हजरत हजरत हजरत, एक जरूर ऐलान सुने, चूरा तेली डॉक्टर के पास पहुंच गया। ए, टीवी पे चला दो, आजकल वहां इतनी बड़ी कोई खबर नहीं। चूरे तेली के इंटरव्यू के बाद हम पिकनिक पे जाएंगे। मुझे नहीं लगता। तू दो सूटे लगाकर टेक ऑफ कर जानी, मैं उसके तेवर देख आया हूं। आज जूरा तेली कुछ कर जाएगा, वो बड़े बड़े रास आश करने वाला। सच में जूरा, ये कोई काउंसलिंग सेशन नहीं है, ठीक है? हम सिर्फ गपशप करेंगे, आओ बैठो। मुझे अच्छा ना कहा करो, मुझे बुरा लगता है। सवाल मुश्किल हैं, फिर भी जवाब दूंगा, टाइम है? बहुत। तुम्हें जो कुछ याद है आराम से बताओ। एक एक लम्हा याद है। मैं मुसम्मी मंजूर अली उर्फ चूरा तेली इसी शहर के लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ। इकलौती बहन सऊदीया में और माँ बाप फौत हो चुके। छोटी उम्र में खालाजाद नरगिस से शादी की, जो खूबसूरत और नर्म मिजाज थी। दो जुड़वा बेटे अब्दुल जब्बार और अब्दुल हनी, उनमें मेरी जान थी। जिंदगी का मजा, घर की खुशहाली, बच्चों की पढ़ाई, सब ठीक था सिवाय मेरे। मैं बज़ाहिर बड़ा शुगली, लेकिन मेरे अंदर एक शक्की इंसान रहता था जो मुझसे ज्यादा तगड़ा था, और मैं उस नफसियाती को इस दुनिया से छुपाता था। मुझ पर हर वक्त कुछ अजीब करने का भूत सवार रहता, लेकिन जो चीज मुझे रोकती थी वो था मेरा सरकारी रैंक।
मैं तो हुई तेरी जोगनिया। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।